उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। आलम यह है कि नेता अब एक दूसरे को लेकर खुलकर धमकी दे रहे हैं। नेता भी छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े नेता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को खुली चुनौती दी है। क्या है चुनौती, देखिए इस रिपोर्ट। चाचा को अखिलेश की खुली चुनौती। अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अखिलेश की चुनौती से सियासी हंगामा। जो आज सवाल जवाब पूछ रहे हैं उनसे कहना चाहिए कि जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे वो लोग कहाँ थे। क्या सपा में फिर बिगड़ गई बात। मुझे नहीं नाराजगी पता, ये बीजेपी बता सकती है कि वो क्यों खुश है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बाद से ही सपा की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आलम यह है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को खुली चुनौती दे रहे हैं, और चुनौती भी ऐसी कि सुनकर हर किसी के होश उड़ जाएं। अखिलेश यादव ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर बीजेपी चाचा को लेना चाहती है तो ले ले, फिर देरी क्यों हो रही है। अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं। आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। आजमगढ़ आपको ये विचार करना चाहिए, कारण क्या है कि विचार क्यों कर रहे हैं, लेट क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, नाराजगी का कारण क्या है चाचा से आप? मुझे नहीं नाराजगी पता, ये बीजेपी बता सकती है कि वो क्यों खुश है। अखिलेश यादव बार बार अपने बयानों से शिवपाल सिंह यादव को चुनौती दे रहे हैं और संदेश साफ है कि पार्टी छोड़नी है तो छोड़ दो, रोका किसने है। अखिलेश यादव अकेले शिवपाल यादव को ही चुनौती नहीं दे रहे बल्कि बीजेपी पर भी हमला कर रहे हैं, लेकिन जब सवाल आजम खान का आता है तो अखिलेश यादव उनके साथ होने का दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी उनके साथ है, समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से उनके साथ खड़े होकर के जो न्याय मिल सकता है वो न्याय दिया है। आज जो सवाल पूछ रहे हैं उनसे ये पूछना चाहिए, जब बीजेपी मुकदमा लगा रही थी, कांग्रेस मुकदमा लगा रही थी, वो नेता कहाँ थे? बीजेपी के बड़े नेता कहाँ थे? कांग्रेस के बड़े नेता कहाँ थे? और जो मुकदमा लगाने वाले हैं उन लोगों के बीच आज बोलने वाले क्यों नहीं गए थे? बावजूद जो मुकदमा लगा रहे थे उनसे मैंने खुद व्यक्तिगत बात की थी। मैंने कहा क्यों इतने बड़े नेता को आप परेशान कर रहे हो, लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव था सरकार का जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो आज सवाल जवाब पूछ रहे हैं उनसे कहना चाहिए कि जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे वो लोग कहाँ थे। अरे और वो समय आएगा तो मैं भी जाऊँगा। अखिलेश यादव बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि जो आजम खान से अब मिलने जा रहे हैं वो तब कहाँ थे जब आजम खान पर मुकदमे दर्ज हो रहे थे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ये भी साफ कह रहे हैं कि मैं खुद भी आजम खान से मिलने जाऊंगा, लेकिन एक तरफ अखिलेश चाचा को दुत्कार रहे हैं तो दूसरी तरफ आजम खान के साथ होने की बात कह रहे हैं। लेकिन क्या आजम खान अखिलेश यादव की इस बात को समझ पाएंगे और क्या शिवपाल यादव पर अब बात हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।